Get your ticket to your dream career. Join IIMT University, which offers courses in engineering, pharmacy, law, management, mass communication, hospitality management, nursing and paramedical and other professional courses. O Pocket Ganganagar, Mavana Road, Meerut. नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना कोरोना के आंकड़े और ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.34 लाख मामले दर्ज किए गए, वहीं 1,341 लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 63,729, उत्तर प्रदेश में 27,360, दिल्ली में 19,486, छत्तीसगढ़ में 14,912, कर्नाटक में 14,859 नए केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण बीच कुछ अहम कदम उठाने के सुझाव दिए हैं और उन्होंने पत्र में लिखा है कि वैक्सीन सरकारी सप्लाई के अलावा ओपन मार्केट में भी मुहैया कराई जाए, जिससे इच्छुक लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज आसानी से मिल सके। इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कल बैठक की थी, जिसमें पाया गया कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके बाद उन्होंने पीएम मोदी को फोन कर ऑक्सीजन और बेड सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। वहीं कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना संकट के चलते यूपी में भी एक बड़ा कदम उठाया था, जिसमें उन्होंने रविवार का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 जुर्माना होगा। वहीं दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह से ही दिल्ली का दिल कहे जाने वाला कनॉट प्लेस में भी सन्नाटा पसरा नजर आया। बता दें कि अमूमन वीकेंड के दिन कनॉट प्लेस में भी सुबह से ही लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी और इस तरह का नजारा देर रात तक रहता था, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया और इक्का दुक्का गाड़ी हुई सड़कों पर दिखाई दी। इसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ के जवान सड़कों पर ड्यूटी देते नजर आए और लोगों को मास्क लगाने की अपील की। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।